मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं। मैं 8 साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग 1 साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तैयार है। अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल यानी कि अभिषेक की नॉलेज में। तो गाइस आज के वीडियो में बात करेंगे एसएल के 3rd और 5th सेमेस्टर के एग्जामिनेशन मोड के ऊपर। इसमें हम मेन चीज़ जो है डिस्कस करने वाले हैं, आपके एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। ये मैंने कल भी डिस्कस करा था, लेकिन अब जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की टेंटेटिव डेट शीट आई है उसके बाद मेरे को लगता है जो आपका जो चेंज है वो आपको बताना जरूरी है ताकि आप भी जो है उसके लिए रेडी रहे। और ठीक है, हम बात करने वाले दूसरे जो पॉइंट होगा आज की वीडियो में एग्जाम के पोस्टपोन होने के ऊपर। तो ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा यार, और वीडियो को अंत तक भी जरूर देखिएगा और टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों का लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो देखिए जी, सबसे पहले बात करते हैं आपके एग्जामिनेशन मोड के ऊपर। देखिए जितना मेरे को लग रहा है आपके एग्ज़ाम जो है इस साल SOL के, मैं आपके पर्सनल एडवाइस दे रहा हूँ, एग्ज़ाम SOL के ऑनलाइन मोड में ही कंडक्ट करवाए जाएंगे। ऑनलाइन मोड में क्यों कंडक्ट करवाए जाएंगे? क्योंकि SOL के अंदर पहली बात तो लाखों बच्चे हैं और इतनी जल्दी इतना बड़ा सरकार रिस्क भी नहीं लेगी कि जो कोरोना के केस है अभी के लिए तो बहुत कंट्रोल में। मैं तो चाहता हूँ हमेशा के लिए ऐसा हो जाए, बिल्कुल कंट्रोल में। एक यही आपके कभी 20 केस आ जाते हैं, कभी 15 या फिर कभी कुछ ऐसे आ जाते हैं। हाल ही में तो मैं रिपोर्ट देख भी रहा क्योंकि जो केस है वो बहुत कम हो गए, वरना पहले तो ये मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर देता था। तो लेकिन देखिए अभी आके ही जो है केस है वो कम हुए हैं। इतनी जल्दी सरकार इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती कि जो आपके एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करवाए जाएँ, वो भी SOL के। ठीक है, तो अभी के लिए आप ये मान के चल सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड में होंगे। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की कल टेंटेटिव डेट शीट आई है रेगुलर और NC वेब वाले स्टूडेंट्स के लिए, उनको मैंने पर्सनल वीडियो कॉल बना के बताया भी था कि जो उनके एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारे कॉन्टैक्ट है रेगुलर बच्चों से, उन्होंने जो अपने प्रोफेसर से बात की है उनके हिसाब से जो उनके एग्ज़ाम है वो इस साल के ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करवाए जाएंगे दिसंबर में। लेकिन आपके एक तो लाखों बच्चे हैं और सबसे बड़ा कोर्स तो BA प्रोग्राम ही है, उसी में ही कई सारे बच्चे तो BA प्रोग्राम के अंदर ही है। तो इतनी जल्दी इतना बड़ा रिस्क नहीं लिया जाएगा कि जो SOL के एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड में ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करवाए जाएंगे दिसंबर में। और अब दूसरा सवाल जो आता है वो है हमारा कि क्या आपके एग्ज़ाम पहली बात तो दिसंबर में होंगे भी या नहीं होंगे, क्योंकि हर साल यही होता है जो आपके ऑड नंबर के एग्ज़ाम है ना SOL हमेशा पोस्टपोन कर देता है। पिछले 2 सालों से आप लोग देख भी आ रहे होंगे, 2019 में क्या हुआ था, आपके एग्ज़ाम दिसंबर में होने थे लेकिन उनको पोस्टपोन करके जुलाई में 1st और 2nd सेमेस्टर के इन्होंने दोनों के असाइनमेंट जो है वो कंडक्ट करवा लिए थे। अब 2020 में क्या हुआ, इन्होंने जो एग्ज़ाम है वो नहीं लिए थे, इस बार भी थर्ड सेमेस्टर के भी एग्ज़ाम नहीं लिए थे और 3rd सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो थे वो इन्होंने कंडक्ट नहीं करवाए थे। 3rd के कब कंडक्ट हुए थे, आपके मार्च में कंडक्ट हुए और उसी के थोड़े दिन बाद इन्होंने जुलाई में असाइनमेंट कंडक्ट करवा लिए 4th सेमेस्टर के, और यही हुआ था आपका 1st सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के साथ। तो इस हिसाब से देखिए मेरे को तो लग नहीं रहा, अभी BA प्रोग्राम के 3rd सेमेस्टर के रिजल्ट पे रुके हुए हैं, नहीं रुके हो पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, आपके एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए हैं। उसके बाद स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में देंगे या नहीं देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। और मैं अपनी पर्सनल एडवाइस दूँ, मेरे को 5th सेमेस्टर की तो पूरी उम्मीद है, 0% चांस है कि उनको मिलेगा, 3rd सेमेस्टर वालों को मिल सकता है क्योंकि वो प्रिंटेड है, उनके पास रखा हुआ है तो वो दे भी सकते हैं, इसीलिए ठीक है उनके चांसेस बनते हैं, लेकिन 5th वालों के अभी नहीं बनते। रही बात आपकी, जैसे मैंने कहा एग्ज़ाम क्यों पोस्टपोन हो सकते हैं, अभी आपका एडमिशन का काम है, रिजल्ट का काम है, असाइनमेंट का रिजल्ट है, SOL के न्यू एडमिशन है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए SOL जब इतने दिनों में नहीं कर पाए तो अब इतने से दिनों में करेगा इसकी कोई उम्मीद नहीं है। मेरे को जितना लग रहा है 70% अभी कहूँगा जो अभी एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो सकते हैं आपके जो होने जा रहे हैं इस साल दिसंबर में और नवंबर से, 30 नवंबर और 15 दिसंबर आपको डेट्स भी मैंने बता रखी हैं, अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आपके एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हो सकते हैं, पूरी उम्मीद है इसकी। और आज की वीडियो में इतनी सी थी, और अगर रही बात देखिए अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए तो वो एग्ज़ाम होंगे कब, वो जो आपके एग्ज़ाम है वो दोबारा मार्च में कंडक्ट करवाए जाएंगे जैसा इस साल आपका हुआ था, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इस साल की तरह वो मार्च में कंडक्ट करवाए जाएंगे अगले साल आपके 2022 के मार्च में। तो ठीक है, आज की वीडियो इतनी सी थी, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।